आज हम एक बहुत ही काम की बात करने वाले हैं कि कई बार जब चोट लगती है, कोई परेशानी होती है, मास्क मतलब थोड़ी स्टिफनेस आ जाती है मसल्स के अंदर, तो हम सोचते हैं कि क्या करें, कुछ सिकाई कर लेते हैं, गर्म या ठंडी सिकाई से, हॉट या कोल्ड फॉर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि एक तो थंब रूल है इसके अंदर कि कोई भी इंजरी होती है तो पहले 48 घंटे में बर्फ की सिकाई जो होती है वो हेल्पफुल होती है, उसके बाद आप गर्म सिकाई कर सकते हैं। तो पहले हम इस जो डिस्कशन को सबसे पहले ठंडी सिकाई यानी कि बर्फ की सिकाई पर रखते हैं कि थंब रूल है कि कोई भी चोट हो तो सूजन कम करने के लिए ब्लड फ्लो उस जगह कम हो जाता है, अगर वो गठिया बाई की बीमारी है तो जिसमें इन्फ्लेमेशन बड़ा होता है तो बर्फ की सिकाई जो होती है उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के काम आती है, जॉइंट में बहुत स्टिफनेस है, टेंडन खिंचा हुआ लग रहा है तो वहाँ भी बर्फ की सिकाई हेल्प करती है। बहुत सी कंडीशन जैसे शाटिका का पेन हुआ या किसी और नर्व के दबने से जो परेशानियाँ होती हैं वहाँ भी ये ठंडी सिकाई जो होती है वो काम करती है। इसके अलावा कहाँ इसे अवॉइड करना चाहिए, कहाँ ठंडी सिकाई नहीं करनी चाहिए, जैसे कुछ सेंसरी डिसऑर्डर्स हैं, मतलब उस पेशेंट को किसी ऐसी नस के दबने से जहाँ उसको छूने का एहसास ही नहीं होता है तो आप बर्फ लगा के भूल गए तो वो उस जगह पे ज़्यादा इंजरी हो सकती है सर्कुलेशन की, वहाँ इसको अवॉइड करना चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर इसको अवॉइड करना चाहिए ठंडी सिकाई। स्टिफनेस में उतना अच्छा काम नहीं करती है, अगर मसल और जॉइंट में स्टिफनेस होती है तो वहाँ गर्म सिकाई ज़्यादा अच्छी काम करती है। आइस पैक यूज़ कर सकते हैं, जेल आते हैं मार्केट में वो यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो टॉवल में रैप करके आइस को रख सकते हैं। डायरेक्ट आइस नहीं लगानी होती, हैंकी में लगा लो, टॉवल में लगा लो, पॉलिथीन के अंदर रख लो, बट डायरेक्ट आइस की फॉर्मेंटेशन ठीक नहीं होती है। उसके अलावा अगर ब्लीडिंग हो रही है, कई बार छोटा मोटा कट लग गया है, वहाँ भी आइस का फॉर्मेंटेशन हेल्पफुल होता है तो इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कितनी देर तक आइस का फॉर्मेंटेशन करना चाहिए, अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नंबनेस क्रिएट कर देती है तो उससे पेन थोड़ा कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है, टेंडरनेस, सूजन सब कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, बहुत यूज़फुल चीज़ है बट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं है। उसके अलावा जो हॉट फॉर्मेंटेशन की बात होती है तो हॉट फॉर्मेंटेशन जो होता है पहले 48 घंटे के बाद चोट में हमने पहले तो कोल्ड फॉर्मेंटेशन यूज़ किया, उसके बाद हम हॉट फॉर्मेंटेशन यूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा उल्टा है, ये जो सर्कुलेशन कोल्ड कम कर रही थी ये सर्कुलेशन बढ़ा देगी, वह ब्लड का खून का दौरा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो मसल्स की चोट में जो है बहुत काम करती है हॉट फॉर्मेंटेशन, अगर किसी की मांसपेशियां खिंच गई हैं वहाँ हॉट फॉर्मेंटेशन बहुत अच्छा काम करती है सिकाई यानी कि, क्योंकि वो मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देती है। उसमें भी एक ड्राई हीट होती है, जो ड्राई हीट के पैड आते हैं आजकल, इलेक्ट्रिक पैड्स आते हैं, वो ड्राई हीट जनरेट करती है। एक मॉइस्ट हीट भी होती है कि स्टीम में जो ले रहे हैं आप, स्टीम ले रहे हैं या सोना हो गई या आपने टॉवल यूज़ किया मॉइस्ट टॉवल, उससे सिकाई कर रहे हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी मशीन होती है अल्ट्रासाउंड की, उससे भी थोड़ा सा आता है, इंफ्रारेड से भी आता है, बट वो इंस्टीट्यूशनल चीज़ हो गई। उसके अलावा जो हीट है वो लोकल पार्ट पर, अगर किसी एक खास हिस्से पर दे रहे हैं तो वो लोकल थेरेपी होती है, अगर पूरे हिस्से को दे रहे हैं तो उसको हम रीजनल थेरेपी बोलते हैं। पूरी बॉडी के लिए भी एक बार यूज़ करते हैं, पूरी बॉडी के लिए जो यूज़ होती है वो सोना में होती है, सोना बाथ जो होता है। उसके अलावा अगर सोना बाथ नहीं जा सकते तो घर पे ही आप जो स्टीम ले सकते हैं, स्टीम बाथ ले सकते हैं या गर्म पानी से नहा सकते हैं, तो उसके अंदर भी आपको वो इफ़ेक्ट मिलता है, तो उसके अंदर ये फ़ायदा करती है। बट ये ध्यान रखना है कि इन सिकाइयों में कि अगर बर्न की कंडीशन है तो गर्म सिकाई नहीं करनी चाहिए, कहीं कट्स लगे हुए हैं या ब्रूजेज आए हुए हैं तो वहाँ नहीं करना चाहिए, सूजन बहुत ज़्यादा हो रखी है तो गर्म सिकाई नहीं करनी चाहिए। शुगर के पेशेंट में ये भी नहीं करते, कोल्ड भी और हॉट दोनों अवॉइड करते हैं, अगर क्योंकि कई बार शुगर में ब्लड सर्कुलेशन कम होती है। स्किन की डिजीज़ में भी गर्म सिकाई नहीं करते, कोई ब्लड वेसल की डिजीज़ है जैसे कि स्मोकर्स के अंदर रिनॉट डिजीज़ हो जाती है कि यहाँ दूर तक जाकर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो ये उंगलियाँ नीली पड़ने लगती है। DBT का मतलब जहाँ बहुत लेडी जो लंबे समय तक खड़ी रहती हैं किचन में काम करते हुए, उनके खून की नलियों में थक्का जम जाता है, वहाँ भी गर्म सिकाई नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी में भी सोना बाथ जैसी या ये जो गर्म सिकाई को थोड़ा सा अवॉइड किया जाना चाहिए टेक्निकली, और इसमें भी जो है 8 से 10 मिनट से ज़्यादा आपको गर्म सिकाई नहीं करनी है। गर्म में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गर्म सिकाई होनी चाहिए, ये हॉट नहीं होनी चाहिए, मतलब वार्म सिकाई है यहाँ पे, हॉट फॉर्मेंटेशन नहीं है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। इन्फेक्शन के केस में सिकाई नहीं करनी चाहिए, किसी के जोड़ों में इन्फेक्शन हो गया है या स्किन पे इन्फेक्शन हो गया है वहाँ सिकाई नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिला के ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं अगर आपके क्लियर हो जाते हैं कि कब कौन सी सिकाई करना चाहिए तो कई सारी जगह पे आप खुद से इन होममेड रेमेडीज़ का फ़ायदा उठा के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफ केयर।